सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। परिवर्तन कभी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। किरण चाहे सूरज की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। नफरत किसी से ना करें और अगर हो जाए तो स्वयं मंथन करें। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। आज का पंचांग 25 अप्रैल 2022 दिन सोमवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, रात्रि 1:38 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र शाम 5:12 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:36 से 9:13 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 25 अप्रैल 2022 दिन सोमवार, आपसे सामाजिक संपर्कों पर और ध्यान देने की अपेक्षा है। आपके आकर्षक व्यक्तित्व का सब पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आपको उन लोगों पर भी ध्यान देना होगा जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने व्यस्त कार्य शैली के बावजूद सेहत का ध्यान रखें। आज कोई शुभ समाचार मिलने से बहुत बड़ी चिंता दूर होगी। परिवार की सुख शांति आपके लिए प्राथमिकता रहेगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी रुचि बढ़ेगी। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य संबंधित योजनाओं को बनाने में भी किसी खास व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। हर एक छोटी बात का असर आपकी सेहत पर हो सकता है। इस कारण जीवन में संतुलन बिगड़ सकता है। बाहरी लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाते समय अपनी व्यक्तिगत बातों की जरूरत से अधिक जानकारी ना दें। साथ में परिवार के बीच में चल रहे विवादों की चर्चा भी बाहरी व्यक्ति के साथ ना करें। स्टॉक मार्केट से संबंधित लिया गया निर्णय आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। पार्टनर आपके साथ खुलकर बात करने की कोशिश करेंगे। शरीर पर चोट लगने की आशंका बन रही है। हर एक काम को ध्यान से करना होगा। वाहन अथवा किसी पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ आवश्यक खर्चे रहेंगे। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। निवेश करने से पूर्व किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। ये सब मुश्किलों से बच जाएंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में सुखद और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, लेकिन प्रेम प्रसंगों के चलते घर में कोई दिक्कत भी खड़ी हो सकती है। आप तुच्छ मुद्दों को व्यवस्थित करने के लिए समय नहीं निकाल पाए हैं और बढ़ते बढ़ते अब उनका ढेर लग गया है। आज आप अपने आप को उलझा हुआ से महसूस कर रहे हैं। मामले अब जटिल हो गए हैं और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां से शुरुआत की जाए। आप अपने सामने बैठकर वार्तालाप करें। दिन के अंत तक आप अपने साथी के साथ बैठकर सहज महसूस करेंगे। बात करते हैं करियर की। जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ेगा, ये और बेहतर होता चला जाएगा। आपने पिछले कुछ दिनों में जो निराशाओं का अनुभव किया है उनका अंत हो जाएगा और आप आशावादिता की ताजी हवा में सांस ले सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता के अनुरूप कठिन मुद्दों से निपटने के लिए आपको पुरस्कृत भी कर सकते हैं और इस समय आप किसी भी बिंदु पर अपने शीर्ष प्रबंधन से लेकर अपने से निचले अधिकारियों से अपनी राय या अपनी बात रख सकते हैं, जिसके लिए ये समय उपयुक्त है। व्यक्तिगत व्यवस्था के साथ साथ व्यवसाय पर भी उचित ध्यान दें। कामकाज में नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही है। अच्छा, आपकी कोई योग्यता आपको निर्णय लेने में सफल करेगी। नौकरी में आपके कार्यों की उच्च अधिकारियों के बीच सराहना रहेगी। बात करते हैं सेहत की। एलर्जी तथा गर्मी जनित परेशानियां रहेगी। मौसमी बीमारियों का संकेत मिल रहा है। आज आप बहुत अच्छी सेहत का आनंद उठाएंगे। आपको अन्य परिजनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आपको उनमें से किसी को कोई छोटी मोटी तकलीफ होने पर देखभाल करनी पड़ सकती है।
आपको यह भी समझना है कि आपकी शारीरिक सेहत काफी हद तक आपके मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर है। अरोमा थेरेपी या राहतकारी मसाज से आपको अच्छा लगेगा। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य करें, आज शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।